हम स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे, आजकल स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है ना, ससुरा वो लड़की के पीछे पगलाया है, कहता है कि लव हो गया। भाई दुनिया में लव नहीं होता है किसी से, ये एक अट्रैक्शन है सबको। मान लीजिए मेल है तो उसे फीमेल से होगा, फीमेल से है तो उसे मेल से होगा, तो कोई कैसे कहेगा कि हम तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए कहता है हमको लव हो गया। भैया लव अब नहीं हो गया, अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपको वो आपसे ट्रू लव करता है तो उससे कहिएगा कि हमको अभी मेरा किडनी खराब हो गया, 1,00,000 रुपये की ज़रूरत है, नहीं देगा। लेकिन आप अपने माता पिता से कहिएगा कि हमको 1,00,000 की ज़रूरत है, और रियल में भी अगर हो जाएगा तो वो अपना शरीर बेच देंगे आपके लिए, लेकिन वो नहीं बेचेंगे। ये होता है लव, लेकिन लोग अट्रैक्शन को लव कहते हैं, उसके लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सब बाबू गलत चीज़ है। जो आप अपना देखिए, आप अपना करियर छोड़ के अगर इस सब चीज़ में जाइएगा तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप जो रिश्ता खोजते हैं अपना कॉलेज में, कोचिंग में, ये सब परमानेंट रिश्ते नहीं हो सकते हैं। हाँ, आप अगर आप गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट लड़की होगी, लेकिन माँ बाप जो ढूंढ के लाएंगे, जो भगवान आपके लिए बनाया है, वो लड़की आपके लिए यूनिक होगी। इफ़ यू विल बेस्ट, यू विल नंबर वन, एंड इफ़ यू विल यूनिक, यू विल ओनली वन। तो याद रखिएगा, जो भगवान आपको बना के जोड़ता है ना, वो रिश्ता सबसे अच्छा होता है। अपने माँ बाप को देखिए ना, क्या झगड़े नहीं हुए, लेकिन आज भी वो लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए, आजकल के जो वेस्टर्न कल्चर आ गया, क्या वेस्टर्न कल्चर हो गया समझ में नहीं आता है। प्यार और छुहाड़ा, इसकी ज़िंदगी ना 1 साल होती है, 1 साल में ही ख़राब हो जाता है। ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। हम गर्व करते हैं, हमें अहंकार है, हमें गुरूर है अपने भारत की संस्कृति पर, जहाँ एक छोटी सी बच्ची भी गुड़िया खरीदती है ना तो उसके लिए दुपट्टा खरीदती है। और यार अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा। लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम, तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं, और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे।